सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियांग शी ने होटल स्टाफ को कॉल करके कहा था कि ये टाई उसके घर भिजवा देना। नेक्स्ट डे लिंजी एक लॉयर से मिलने जाती है जिसका नेम शाओयू है। वो लिंजी से कहती है कि क्या तुम अपना माइंड बना चुकी हो? तो लिंग कहती है हाँ, लेकिन मुझे अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए। तो शावियन उसे कहती है कि तुम जिस घर में रहती हो वो तो तुम्हारे हस्बैंड के नाम है और तुमने बताया था कि तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हारे घर वालों ने वहाँ पर रेनोवेशन कराया था, इसीलिए अभी तुम डिवोर्स लेती हो तो तुम्हें उसके फर्नीचर के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन शादी के बाद तो हस्बैंड और वाइफ का दोनों का बराबर का अधिकार होता है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने उसके नाम पर ट्रांसफर कर लिया है और तुम्हारी फाइनेंशियली सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें अपनी बेटी की कस्टडी मिलना भी नामुमकिन है क्योंकि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। इसीलिए तुम्हें कुछ दिन वेट करना चाहिए और तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत ढूंढने चाहिए और तुम्हें एक जॉब भी ढूंढनी चाहिए। ये मुश्किल तो होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग शी के पास लिन का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है और वहीं फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सीन था जहाँ पर लिन कहती है जियांग शी को तुम सही कह रही थी कि मुझे अपने हस्बैंड पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, लेकिन साथ में मुझे अपनी बेटी की कस्टडी भी चाहिए। तो जियांग शी कहती है इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ? तो लिन कहती है मैं हमेशा से एक हाउसवाइफ रही हूँ, मेरे पास इनकम करने की जॉब नहीं है और हमारी पूरी प्रॉपर्टी मिंग के नाम पर है और मेरे पास रहने के लिए घर ही नहीं होगा तो मुझे अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिलेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि तो तुम वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कराने में तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं जल्द से जल्द उसे डिवोर्स दे सकूं। तो जियांग शी कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी? तो लिन कहती है क्योंकि इसमें हम दोनों का प्रॉफिट होगा, मुझे जो मिंग से मिलेगा वो मैं तुम्हारे साथ अदा शेयर करूंगी और तुमने अभी जो ये ब्रेसलेट और सब कुछ पहना है वो मिंग ने तुम्हारे लिए सेकेंड हैंड खरीदे है। अगर तुम जानना चाहती हो कि वह मिंग तुम्हारी सच में केयर करता है या नहीं तो तुम मेरी हेल्प करो, तुम अच्छे से सोच कर मुझे अपना आंसर बता देना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग शी ऑफिस में आ जाती है और वो लिन की डील के बारे में सोचती है और दूसरी तरफ लिन मिंग के पेरेंट्स के पास जाती है जहाँ पर वो कहती है कि मिंग जो नया घर खरीदने वाला है वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जहाँ पर कई सारी बीमारियाँ भी हो सकती है और आते जाते आपको इन्फेक्शन भी लग सकता है तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं और आपकी जान खतरे में भी आ सकती है। तो ये सुनकर उसकी मदर इन लॉ कहती है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, हमें उस घर में नहीं रहना। तो डैड कहते हैं लेकिन मिंग ने तो पैसे दे दिए हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, हम पैसे वापस ले लेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग शी ऑफिस से घर जा रही थी तभी उसके पास मिंग का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन जियांग कहती है कि आज मेरा मूड नहीं है तो हम फिर कभी मिलेंगे। तभी हम पास्ट में एक सीन देखते हैं जहां पर काफी तेज बारिश हो रही थी और तभी जियांग शी फर्स्ट टाइम मिंग से मिलती है जहां पर वो उसके पास जाकर उसका अम्ब्रेला यूज करती है, जहां पर वो कहती है कि क्या तुम मुझे अपना अम्ब्रेला दे सकते हो क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है और मैंने अपना मेकअप करने में 2 घंटे लगाए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बारिश की वजह से सारा मेकअप बेकार हो जाए। तो मिंग कहता है इंटरव्यू तो तुम्हारी स्किल्स पर डिपेंड करता है, जिस पर जियांग शी कहती है ना तो मैं एजुकेशन में अच्छी हूँ और ना ही मुझे कोई वर्क एक्सपीरियंस है और मेरे पास सिर्फ मेरी ब्यूटी है जिसे मैं इंटरव्यू में यूज करती हूँ। तो मिंग कहता है तुम काफी कॉन्फिडेंट हो और उसने अम्ब्रेला देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने घर पर जाती है जहाँ पर उसका भाई गेम खेल रहा था और जियांग शी तो लिन के दिए गए प्रपोजल को सोच रही थी। फिर उसे फिर से एक पास्ट का सीन याद आता है जब वो मिंग के कंपनी गई थी जहाँ पर वो अपना इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन वहाँ का स्टाफ उसे जॉब देने से मना कर देता है। लेकिन फिर मिंग आता है जो कहता है कि ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसके लुक्स का लोगों पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा तो हम इसे अपना चैनल हैंडल करने देते हैं। इंटरव्यू के बाद जियांग शी मिंग को कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के डायरेक्टर हैं। ये कहकर उसे वो अम्ब्रेला वापस देती है, लेकिन मिंग कहता है ये अम्ब्रेला तुम ही रखो और अब से तुम्हें काफी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। तो जियांग शी हाँ कहती है, जहाँ पर मिंग उसका इंग्लिश नेम रखता है ताकि उसका फॉरन कंपनी से डील करने के लिए उसका इंग्लिश नेम होना जरूरी है, उसे तमेलिया नाम रख देता है। फिर कुछ दिन बाद वो साथ में वॉक कर रहे थे जहाँ पर मिंग उसे अपना लव कॉन्फेस कर देता है, फिर उसे हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे वो मिंग से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मैरिड हो?
तो मिंग कहता है कि मुझे ये पता नहीं था कि हमारी रिलेशनशिप यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सॉरी वो बात ना बताने के लिए। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। ये सुनकर जियांगशी रोने लगती है तो मिंग उसे हग करता है। जियान ये सब अपने घर पर सोच रही थी और उसके बाद वो खाना बनाने जाती है। फिर वो गुस्से में अपने भाई का पूरा सेटअप गेम का खराब कर देती है और उस पर चिल्लाती है कि तुम पूरे दिन घर पर सिर्फ गेम ही खेलते रहते हो, किचन में कुछ खाने का सामान नहीं है, क्या तुम्हें सब कुछ ये दिखता नहीं कि हम क्या खाएंगे। तो उसका भाई कहता है अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो जाके खरीद लो, तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो। तो जियांगशी कहती है तुम मुझसे छोटे हो इसीलिए मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ, मेरी वजह से तुम यहाँ पर रह रहे हो और खा रहे हो। तो उसका भाई कहता है तो क्या मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं पूरे दिन प्रोजेक्ट पर रिसर्च करता हूँ, क्या मैं थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए गेम भी नहीं खेल सकता। अगर मेरे प्रोजेक्ट में से कोई भी एक प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो मैं कई सारे मिलियंस कमा सकता हूँ, उसके आगे तुम्हारे पैसे कुछ भी नहीं है और मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितनी सेमलेस गर्ल हो। तो जियांगशी उसे गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की, तुम्हें लगता है कि मैंने ये पैसे गलत तरीके से कमाए हैं तो मुझे सारे पैसे वापस कर दो। तो उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। फिर जियांगशी उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी सिटी है, यहाँ मॉर्निंग से ही पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक अकेली कमा कर पूरे घर का खर्चा उठा सकती हूँ। ये कहकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है तो उसका भाई उसे कहता है कि सॉरी और चुप होने को कहता है, लेकिन जियांगशी उसे हिट कर देती है। तभी फिर से जियांगशी के पास लेन का मैसेज आता है जिसमें फिर से लिखा था कि तुमने मेरी डील के बारे में क्या सोचा। तो वो नेक्स्ट डे लेन को रिप्लाई करती है कि सॉरी मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में मिंग अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, तभी गुआगुआन चॉकलेट खाने लगती है तो मिंग उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, तुम सिर्फ डे में एक ही चॉकलेट खा सकती हो। तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है तो मिंग उसके पास जाकर कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, लेकिन मैं भी थोड़ा अपसेट था, लेकिन हम दोनों एक कपल है तो तुम्हें इस तरह ज्यादा टाइम से गुस्सा नहीं रहना चाहिए, प्लीज इस बार तुम मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे तुम पर चिल्ला दिया, लेकिन आगे से मैं इस तरह से तुमसे बात नहीं करूंगा। लेकिन लिन उस पर ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करती है तो मिंग उसकी क्लोज जाकर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है और गुगुआन के साथ खेलने लग जाती है। और यहीं पर ही ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।